तो जैसा कि आपको पता है कि टीम इंडिया का टूर होने वाला है साउथ अफ्रीका से, और इन दोनों टीम्स के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा 10 दिसंबर को। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। और टीम इंडिया रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी T20 सीरीज जीत कर आ रही है, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी मैडन T20 सेंचुरी लगाई। और टीम इंडिया का T20 स्कोर तो आपने देख लिया होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, यहां पर जैसे स्वी जायसवाल हैं, सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और दीपक चार। तो इंडिया का ये स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फॉर द T20 सीरीज। तो अगर हम इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें T20 तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच अभी 24 T20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें कि 13 मैचेस इंडिया ने जीते हैं और 10 मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका ने, और एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया। तो स्लाइटली टीम इंडिया डोमिनेटिंग रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन T20, लेकिन इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं होने वाले, तो इस बार का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं भाई टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। तो ओपनिंग पाएंगे शुभमन गिल और उनके साथ आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि रिसेंट T20 सीरीज में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने मेडिन T20 सेंचुरी भी लगाई और काफी तगड़े फॉर्म में भी थे, तो वो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पाएंगे श्रेयस अय्यर, फिर आएंगे विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन, क्योंकि जितेश शर्मा के कंपैरिजन में वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, फिर उनके बाद आएंगे रिंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, रवि बिश्नोई, फिर आते हैं अर्षदीप सिंह, फिर आते हैं मोहम्मद सिराज और फिर मुकेश कुमार। तो टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 हो सकती है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट T20 मैच। तो भाई आपके हिसाब से टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दो।